को डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। बस समझ गए, अरेंजमेंट ऑफ टीथ को हम क्या बोलते हैं? डेंटिशन बोलते हैं। डेंटिशन। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल अरेंजमेंट ऑफ टीथ को डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। बस समझ गए। अब हम लोग यस मैम। देखते क्या है कि जो बेटा हाफ ऑफ द जॉ, यानी यहां से लेके इतने तक के पार्ट आएगा, हाफ ऑफ द जॉ हम लोग क्या बोलते हैं उसको? हाफ हाफ ऑफ द जॉ इज नोन एज रेमाई, इज नोन एज रेमाई। ठीक है, टीथ एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में डिसाइडेड है कि ये टीथ क्या बनाएंगे। एक्टोडर्म से बने होंगे टीथ। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर ओरिजिन के बेस पर, ओरिजिन के बेस पर टीथ होंगे अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन अगर टीथ होंगे तो लाइफ में कितने बार टीथ डेवलप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ओरिजिन अगर टीथ होंगे तो मोनोफायोडोंट, डाईफायोडोंट एंड पॉलीफायोडोंट, पॉलीफायोडोंट। बस समझ गए। तो हम लोग क्या देखते हैं, मोनोफायोडोंट लाइफ में वन टाइम, इन लाइफ वन टाइम ओरिजिनेट हो, वन टाइम अगर ओरिजिनेट हो तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनोफायोडोंट। अगर लाइफ में एक बार निकलता है तो इस टीथ को हम लोग मोनोफायोडोंट के नाम से जानते हैं। लाइफ में अगर वन टाइम टीथ निकल रहा है तो मोनोफायोडोंट। जैसे हम लोग के प्री मोलर्स, मोलर्स लाइफ में एक बार निकल रहे हैं तो मोनोफायोडोंट। अगर लाइफ में टीथ टू टाइम्स निकल रहे हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं डाईफायोडोंट। टू टाइम्स निकल रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे डाईफायोडोंट, डाईफायोडोंट। जैसे एक बार हमारे निकले मिल्क टीथ, मिल्क टीथ जिसको बोलते हैं डेसिडुअस, और एक बार निकले परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। ठीक, मिल्क टीथ का दूसरा नाम है डेसिडुअस और ये होगा परमानेंट। उसके बाद पॉलीफायोडोंट जो टीथ हैं, इन लाइफ मैनी टाइम्स, इन लाइफ मैनी टाइम्स अगर टीथ निकलते हैं तो इसको हम लोग पॉलीफायोडोंट बोलते हैं। कई बार निकलते टूटते रहते, जैसे स्नेक के फैंग, स्नेक अपने फैंग से अगर एक बार बाइट कर लेता तो उसका फैंग टूट जाता है। तो स्नेक के फैंग जैसे निकल रहे हैं, मोनोफायोडोंट लाइफ में वन टाइम, डाईफायोडोंट टू टाइम्स, और पॉलीफायोडोंट लाइफ में मैनी टाइम्स अगर टीथ निकलते हैं तो उसको हम लोग पॉलीफायोडोंट के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? मैम ये हाँ, पॉलीफायरडॉन्ट ये ह्यूमन बीन्स में भी होते हैं? ह्यूमन बींग्स में नहीं होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में टीथ कई बार लाइफ में नहीं निकलते। एक बार निकले हम लोगों के बचपन में जो टूट गए, और उसकी जगह पे अब हम लोग के परमानेंट टीथ निकल आए, उसकी यस जगह मैम, परमानेंट आ गए। अगर इस यस टाइम मैम। पर हमारा कोई टीथ टूट जाए तो हमको आर्टिफिशियल टीथ लगाना पड़ेगा, दूसरा टीथ नहीं निकलेगा। चाहे वो आधा टूट जाए, पूरा टूट जाए, उखड़ के बाहर हो जाए, तो टीथ वहां नकली ही लगवाना पड़ेगा, वहां पर दूसरा टीथ ओरिजिनेट नहीं करेगा। तो मैम बात समझ रहे हो? इसका कोई एग्जाम्पल है? हाँ, इसका एग्जाम्पल फैंग, स्नेक का जो फैंग है, स्नेक का फैंग टूट जाता है एक बार बाइट करने के बाद, टूट जाता है वहां पर, और उसके बाद फिर से वहां पे निकल आता है। जब स्नेक 2-3 महीने तक फिर किसी को काट नहीं सकता है, फिर 2-3 महीने बाद स्नेक का टीथ निकल आता है। जैसे स्नेक जो सपेरे लिए घूमते रहते हैं ना, मांगते हैं शंकर जी हैं ये सब करके, यस तो मैम, यस मैम। वो जब सांप के ऊपर हाथ फिराते, सांप ऐसे ऐसे उठ के खड़ा हो जाता है, वो सांप काटता नहीं किसी को। क्यों? क्योंकि एक तो वो हिप्नोटाइज, दूसरा उसके टीथ निकाल देते हैं। अगर उनका ड्यूरेशन 1 महीने या 2 महीने, जितने दिन के लिए उन्होंने किया है,
ये ड्यूरेशन अगर उनका प्रोसीड कर गया आगे तो वो सांप काटेगा, उसका हिप्नोटिज्म खत्म हो जाएगा, उसके टीथ निकल आएंगे, क्योंकि सांप के पूरे शरीर में तो जहर है नहीं, सिर्फ फैंग में जहर है, एक बार काटता तोड़ देता चला जाता है। उसके बाद जब सांप को सोचो सपेरा बीन बजाता है, सांप को दोबारा बुलाया जाता है, जब मेरे पास ऐसा टीथ है कि हम आपको काट लें कि जहर फैल जाए, तो भला हम ऐसा क्यों करेंगे कि हम शक कर लें जहर को और खुद मर जाए। स्नेक को पता होता है कि अगर जहर उसकी बॉडी में चला गया तो वो मर जाएगा, इसलिए वो जब सपेरा बीन बजाता उसके काम तो होते नहीं, सपेरा बीन बजाता तो वो हिप्नोटाइज होता है, गुस्साता है। ऐसे लोग सोचते सांप नाच रहा है, वो नाच नहीं रहा हो तो वो गुस्साता है कि हमें मालूम है कि अगर हम इसको शक करेंगे तो हम मर जाएंगे, और अगर वो उसको शक करता जबकि काटा स्नेक नहीं है उसको शक करता तो वो मर जाता है, यानी अपना ही काटा हुआ जहर अगर वो पी ले तो मर जाएगा। बात समझ रहे हो? यस मैम। मोनोफायडन लाइफ में वन टाइम, डाई टू टाइम्स, पॉली मैनी टाइम्स। अब हम क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट इन्होंने क्या कहा, पहला टीथ है एक्रोडोंट, एक्रोडोंट, फिर आया चीकोडोंट, चीकोडोंट। अब यहां पर हम लोग डोंट वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि स्टडी ऑफ टीथ को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं, ओडोंटोलॉजी बोलते हैं, इसलिए डोंट वर्ड यहां से लिया गया है। बात समझ गए? और जो लोग डेंटिस्ट होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं टीथ के, तो एक्रोडोंट क्या है, एक्रोडोंट जो है वो टीथ गम्स में एडियर होता है, एडियर इन गम्स, एडियर इन गम्स। और जो चीकोडोंट टीथ है इसमें टीथ एम्बेडेड इन इन बोनी सॉकेट, टीथ एम्बेडेड है बोनी सॉकेट में। बस समझ के, टीथ एम्बेडेड होगा बोनी सॉकेट में चीकोडोंट, जैसे हम लोग के टीथ है, हम लोग के टीथ यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, जितना टीथ बाहर है उससे ज्यादा टीथ अंदर है। जल्दी जैसे किसी का ओल्ड मैन या वुमेन का टीथ देखो, जो नेचुरल निकलता है तो वो इतना बड़ा टीथ निकलता है, यानी जितना वो अंदर है, जितना अंदर है उससे कहीं कम बाहर है, अंदर ज्यादा धसा हुआ है रहता है, इसलिए जल्दी हम लोग टीथ ऐसे ऐसे करो तो हिलते तो रहते हैं लेकिन टूटते नहीं है। अगर बहुत तेज चोट लगी तभी टीथ टूटेगा, अदरवाइज टीथ टूटता नहीं जल्दी, क्योंकि बोनी सॉकेट से बिल्कुल पैक्ड है चारों तरफ से, और अंदर एम्बेडेड है वो, अंदर रूट कैनाल्स हैं जो पकड़े हुए हैं, नर्व्स और आर्टरीज हैं। जब बहुत तेज झटका लग गया तब दांत टूट जाएगा, तो वहां पे स्पेस आ जाएगा। जब हमसे दांत टूट गया है, परमानेंट टीथ टूट गया, तो अब वो टीथ दोबारा निकलेगा नहीं। बस समझ गए? लिखिए इसको। यस मैम, यस मैम। मैम ये हाफ ऑफ द जॉ के बाद क्या लिखा है? रेमाई बेटा, आर ए एम आई आई। और मैम ये जैसे स्टडी ऑफ टीथ है ना, इसके आगे का नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। अच्छा ओडोंटोलॉजी, अभी सेट कर रहा है, एक मिनट।
दिख गया? यस मैम। दोनों साइड का दिख रहा है? यस मैम आप ठीक है ठीक है ठीक है। मैम ओरेंटोलॉजी की स्पेलिंग क्या होगी? ओ डी ओ एन टी ओ, ओ डी ओ एन टी ओ एल ओ जी वाई। ठीक है मैम। मैम नोट हो गया। अब देखिए अब हम क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर टीथ कितने टाइप के होते हैं? तो हम देखेंगे बेटा टू टाइप के टीथ होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर टीथ होते हैं टू टाइप के, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर टीथ होते हैं टू टाइप के। एक होते हैं होमोडोंट, होमोडोंट, दूसरे होते हैं हेट्रोडोंट। एक होते हैं होमोडोंट और दूसरे होते हैं हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट। होमोडोंट का मीनिंग होता है बेटा कि टीथ स्ट्रक्चरली, अगर स्ट्रक्चरली और फंक्शन के बेसिस पे टीथ सेम टाइप के हों, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, फंक्शनली टीथ सेम टाइप के हों, टीथ सेम टाइप के हों तो हम लोग इसको बोलते हैं होमोडोंट। और अपने आप जैसे क्रोकोडाइल में, क्रोकोडाइल में टीथ सेम टाइप के हैं, वो कार्निवर्स है और उसको किसी भी चीज को चबाकर चीप करके नहीं खाना है, उसे सिर्फ एक ही काम करना है कैनिंग यानी फाड़ना, फाड़ना है और निगलना है, इंगल्फ करना है। जिसके टीथ बिल्कुल इक्विवेलेंट होंगे, सेम होंगे स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज सेम होंगे, तो दैट टाइप ऑफ टीथ इज नोन एज होमोडोंट टाइप ऑफ टीथ। और जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स में अगर देखते हैं तो जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स में फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट
ये बेटा स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट है और फंक्शनली भी डिफरेंट है। स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली डिफरेंट है। तो ऐसे टीथ को बेटा हम लोग बोलते हैं, ऐसे टीथ को हम लोग बोलते हैं हेट्रोडॉन टाइप ऑफ टीथ। ऐसे टीथ को क्या बोलते हैं? हेट्रोडॉन्ट टाइप ऑफ टीथ। बात इतनी क्लियर हो गई? बात ये क्लियर हो गई बेटा? अगर स्ट्रक्चरली और फंक्शनली टीथ सेम टाइप के हैं, एक ही वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे टीथ को हम लोग बोलते हैं होमोडॉन्ट टीथ। और अगर स्ट्रक्चरली फंक्शनली जो टीथ हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, अपना फंक्शन भी उनका डिफरेंट डिफरेंट है, तो दैट टाइप ऑफ टीथ इज नोन एज हेट्रोडॉन्ट टाइप ऑफ टीथ। हेट्रोडॉन्ट टीथ बोलते हैं इसको। ये तो हो गया टीथ का अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, किस तरीके से हम लोग टीथ को डिवाइड करते हैं। अब अगर हम लोग स्ट्रक्चर के देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ टीथ क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ क्या है, तो हम लोगों को टीथ को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्राउन नेक एंड रूट। तो जो क्राउन है वो आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट पार्ट है और व्हाइट इन कलर इसलिए है क्योंकि ये सीमेंटिंग सब्सटेंस से कवर्ड है। तो हम लोग समझने के लिए क्या बोल देंगे, क्राउन इज आउटर मोस्ट पार्ट एंड व्हाइट इन कलर, यानी जो दिख रहा है बाहर वो पार्ट हम लोग का क्राउन है, और नेक जो पार्ट है दैट इज एम्बेडेड इन गम्स, एम्बेडेड इन गम्स, ये गम्स में एम्बेडेड है। और जो रूट है वो लास्ट पार्ट ऑफ टीथ है, ये टीथ का लास्ट पार्ट है। बात समझ गए? अगर हम अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी टीथ बनाते तो ऐसे करके ये टीथ बनाते हैं, ये वाला, ठीक। हम लोगों ने ऐसे ही टीथ पढ़ा भी है, लेकिन हम लोग अब ऐसा टीथ नहीं बनाएंगे। हम लोग टीथ बना रहे हैं, हमने क्या किया है, एक कैनाइन टीथ लिया है और उसका एलएस काट दिया है। एलएस इन द सेंस क्या है कि हमने इसको लॉन्गिट्यूडनली काट दिया है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनली कट कर दिया, जैसे हमने कुकुम्बर लिया उसको लॉन्गिट्यूडनल कट कर दिया, ठीक है। अगर हम ऐसे ऐसे स्लाइस बनाते हैं तो ये ट्रांसवर्स है, और अगर हम ऐसे कट कर देते हैं तो ये वर्टिकल है। हमने ऐसे कट कर दिया, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनली हमने कट कर दिया, दो पार्ट हो गए, यानी टीथ को ऐसे ऐसे कट कर दिया, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट कर दिया एक तरीके से। तो हमको स्ट्रक्चर इसका दिखाई दे रहा है जिसमें हमको तीनों चीजें देखनी है। हमने उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है, जब आप ट्रूमेंस में देखेंगे तो उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है जिसमें हमको तीनों चीजें दिखाई दें। तो हम देखते क्या है, सेंटर में एक कैविटी है, सेंटर में एक कैविटी है, इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है, ठीक, सेंटर में कैविटी है, इसमें यहां पर ब्लड कैपिलरी का डेंस नेटवर्क है, और उसके बाद इसके चारों तरफ एक लेयर है, देखिए। हमने इसको इलाबोरेट करके इसलिए दिखाया है कि हम लोगों को सारी चीज समझ में आ जाए। तो ये पार्ट जो बेटा दिख रहा है दैट इज नोन एज क्राउन, क्राउन। सेंटर में ये जो कैविटी है इसका नेम है पल्प, पल्प कैविटी। इसको पल्प कैविटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके सेंटर में एक लिक्विड फिल है, इस लिक्विड का नेम पल्प है,
इसलिए इस कैविटी को हम लोग पल्प कैविटी बोलते हैं। ठीक, ये इसके चारों तरफ जो है पेरिडोंटल मेम्ब्रेन है, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन है, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन है। ये लास्ट पार्ट है इसका रूट, जो कि गम्स में एम्बेडेड है। इसके सेंटर में है एक पोर, जिससे यहां पर ब्लड कैपिलरी और नर्व फाइबर का डेंस नेटवर्क जा रहा है। ये पार्ट है इसका नेक, और इसके चारों तरफ एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनेमल। अगर आपने देखा हो तो जब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि सबसे हार्डेस्ट मॉलिक्यूल जो है वो द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी है, वो इनेमल है। जबकि ये कवर एक तरीके से चढ़ा हुआ है हम लोगों के टीथ में, जब टक टक करते हैं ऐसे आवाज आती है, तो उसमें वो जो हार्ड सीमेंटिंग सब्सटेंस है वो है डेंटाइन, और डेंटाइन के ऊपर कवर, यानी हाथ के ऊपर ग्लव्स पहन लो एक तरीके से, तो वो कवर जो है हम लोगों का वो है इनेमल, वो कवर है हम लोगों का इनेमल। लेकिन फिर भी इतना पतला होने के बावजूद भी ये हार्ड सीमेंटिंग सब्सटेंस है, इतना पतला होने के बावजूद भी हार्ड सीमेंटिंग सब्सटेंस है जो व्हाइट इन कलर है, दैट इज नोन एज इनेमल। इसके जस्ट नीचे डेंटाइन प्रेजेंट है, डेंटाइन भी हार्ड सब्सटेंस है। ये जो पार्ट बाहर दिख रहा है हम लोगों का क्राउन वाला, उस पार्ट में ब्लड कैपिलरी और नर्व फाइबर नहीं प्रेजेंट होते हैं। क्राउन इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ टीथ। अगर ये टीथ आगे पीछे करके टूट जाता है तो हम ड्रिल करा के इसको बराबर करा लेते हैं, या तार लगवा लेते हैं खींच के टीथ को इक्वल करने के लिए। अगर ये टीथ हम लोगों का लिविंग होता तो ड्रिल मशीन कोई चलाता तो मार देते झापड़ उसको, क्योंकि लगता ये टिप है, अगर चोट यहाँ पे लग जाए लिप्स के टिप में, आंख के टिप में, टो के टिप में, इसके थंब के टिप में, फिंगर्स के टिप में, तो ये नर्व एंडिंग्स है, तो टीथ का जो टिप है वो भी नर्व एंडिंग्स है। हम ऐसे ऐसे करेंगे हमको फील तो होगा क्योंकि नर्व्स जुड़ी हुई है, लेकिन अगर इस पे हम ड्रिल चला देंगे हमको लगेगा भी कुछ चला रहे लेकिन दर्द नहीं होगा, ना ब्लीडिंग होगी, क्योंकि ना तो ब्लड कैपिलरी है, ना नर्व फाइबर है, कोई चीज नहीं है, बस टीथ का एक स्ट्रक्चर है, दैट इज अ नॉन लिविंग पार्ट ऑफ टीथ। ये नॉन लिविंग है, जीते जागते से जुड़ा हुआ है बट जी नहीं रहा है। हार्ड सीमेंटिंग सब्सटेंस दैट इज व्हाइट इन कलर नोन एज इनेमल। जस्ट बिलो द इनेमल अनदर हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इज, इट इज नोन एज डेंटाइन, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, सेंट्रल कैविटी दैट इज नोन एज पल्प कैविटी, इन द पल्प कैविटी अ लिक्विड मटेरियल इज फिल्ड दैट इज नोन एज पल्प, एट द लास्ट पार्ट ऑफ टीथ इज नोन एज रूट, इन द रूट अ पोर इज प्रेजेंट, बाय दिस पोर ब्लड कैपिलरीज and nerve fiber, dense network of blood capillaries and nerve fibers are enter inside pulp cavity. इतनी बात clear हो गई बेटा? इतनी बात teeth का structure clear हो गया? Yes ma'am. कोई problem? हम जब देखते हैं किसी किसी के teeth, जब कोई हंसता तो ऐसा लगता है जैसे teeth बड़े condensed बने हुए हैं, बहुत मोटे मोटे हैं, और किसी के teeth पे skin ज़्यादा होती है, मुँह में teeth बहुत पतले पतले होते हैं, तो ये enamel calcium और डेंटाइन के डिपोजिशन की वजह से है। जैसे किसी के सी के टीथ ऐसे लगता है जैसे लेयर सी चढ़ी हुई है टीथ के ऊपर एक, और जो लोग पान वगैरह खाते हैं, जो दिन भर गुटखा खाते रहते हैं, उनके टीथ में तो एक अजीब सी इनेमल तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इनेमल का आता पता लापता गंज में चली गई है, उसका पता ही नहीं, वो नाली के ईंट के जैसे परत पड़ गई है, लेयर पड़ गई है, इनेमल का कोई अता पता ही नहीं है, उसके ऊपर एक लेयर जम गई है, तो वो टीथ हो गए डिस्ट्रॉय। अब इनकी रूट भी हो जाएगी डिस्ट्रॉय, रूट कैनाल्स भी हो जाएंगी खराब, तभी आरसीटी करवाते हैं। डेंटिस्ट का काम होता है आरसीटी, यानी रूट कैनाल्स को साफ करना। लिखिए,
मैम लिख लिया मैम, बस डायग्राम रह गया, वो बाद में बना लूंगा। ठीक है ठीक है, एसएस ले लिया? यस मैम। ठीक, अब जरा देखो, ये तो हो गया टीथ का अरेंजमेंट, टीथ का स्ट्रक्चर हम लोगों का, ये सारा कुछ हो गया। अब हम देखते हैं बक्कल कैविटी में जो मस्कुलर टंग है उसका क्या रोल है। मस्कुलर टंग में टेस्ट बड्स हैं, पैपिला है, ठीक है। जब हम ऐसे टंग को करते छोटे छोटे दाने से दिखाई देते, दैट इज पैपिला। और अलग अलग टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स भी प्रेजेंट है, एंटीरियर अलग, पोस्टीरियर अलग, और लेटरल साइड पे अलग, और मिड में अलग। तो मस्कुलर टंग को हमने बताया था कि अगर मस्कुलर टंग फ्लोर पे प्रेजेंट है तो फ्लोर पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज फ्रेनुलम लिंगुई, उसकी हेल्प से जुड़ी हुई है ये। जब बेटा हम लोग फेरिंग्स पे जाते हैं, बक्कल कैविटी ओपन इनटू फेरिंग्स, यानी सेलिवरी ग्लैंड पे एक अलग टॉपिक है, तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स में हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब हम टंग को लेके पहुंच रहे हैं वहां पर फेरिंग्स में, यानी जो बक्कल कैविटी वो कहां पर ओपन होगी। तो हमने देखा कि यहां पर जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी है ओपन इनटू मस्कुलर फेरिंग्स। बात समझ गए, बक्कल कैविटी ओपन इनटू मस्कुलर फेरिंग्स। अब हम क्या देखते हैं कि जिस टाइम हम लोगों का नेजल पैसेज और ओरल पैसेज एक ही था, नेजल कैविटी ओरल कैविटी एक ही थी, तो ये सेकेंडरी पैलेट नहीं डेवलप था। अब ये सेकेंडरी पैलेट डेवलप होने की वजह से ये जो सेप्टम जा रहा है, आप अगर टंग को ऊपर सेकेंडरी पैलेट में लगाएं तो एक लाइन सी चलती है, और उस लाइन के चार दोनों तरफ डिप्रेशन सा रहता है, गड्ढा। अगर ये लाइन करेंगे ऐसे, टंग को पीछे ले जाएंगे, तो ये लाइन पीछे पूरे यहाँ तक हम लोगों के सेकेंडरी पैलेट में नजर आ रही है। तो ये सेप्टम यहाँ तक जुड़ा हुआ है, इसने राइट और लेफ्ट नेजल सेप्टम को डिवाइड, नेजल पैसेज को डिवाइड कर दिया सेप्टम ने। तो ये हो गया प्राइमरी पैलेट, और बक्कल कैविटी की रूफ हो गई सेकेंडरी पैलेट। बात क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि बक्कल कैविटी ओपन इनटू मस्कुलर फेरिंग्स। ये जो मस्कुलर है, मस्कुलर फेरिंग्स क्या है, इसमें टू ओपनिंग्स प्रेजेंट है। मस्कुलर फेरिंग्स के थ्री पार्ट्स हैं, पहले तो थ्री पार्ट्स हैं। एक है हमारा नेजो फेरिंग्स जो इन फ्रंट ऑफ नोज है, जो लास्ट पार्ट ऑफ नोज में है। दूसरा है हमारा ओरो फेरिंग जो इन फ्रंट ऑफ ओरल कैविटी है, यानी ओरल कैविटी के सामने, लास्ट पार्ट ऑफ ओरल कैविटी। दूसरा है लैरिंजो फेरिंग जो कि लैरिंग्स के पास है, हम लोगों का जो वोकल कॉर्ड्स है, यानी हम लोग का जो साउंड बॉक्स है, उसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग लैरिंग्स के नेम से जानते हैं। बक्कल कैविटी ओपन इनटू मस्कुलर फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स, लैरिंजो फेरिंग्स। नेजो, ओरो, लैरिंजो, नेजल कैविटी के पास, ओरल कैविटी के पास, लैरिंग्स के पास। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट पार्ट ऑफ नेजल कैविटी इन फ्रंट ऑफ माउथ, ओरल कैविटी, माउथ कह देंगे तो बक्कल कैविटी आ जाएगा, नियर द लंग्स, नियर लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स। लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स। इतनी बात क्लियर हो गई। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स, लास्ट पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, इन फ्रंट ऑफ ओरल एंड लैरिंजो।